हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, हम लोगों को अक्सर लगता है कि जो हम लोग कभी छोटे छोटे पॉट में जब प्लांट्स लगाते हैं तो लगता है कभी कि हैंग करना हो तो किस तरीके से उसे हैंग किया जाए, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे प्लांट तैयार हो जाते हैं कि उसे हैंग करने का मन करता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको वही बताया जाए कि आपके अगर छोटे पॉट में प्लांटर में अगर आपने कोई ऐसा प्लांट लगाया है जिसे आप हैंग कर रहे हैं, जैसे ये मेरा प्लांट है, अगर मैं इसको हैंग करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ना तो ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो मैं इसको हैंग करूँ। तो इसलिए मैंने आज ये सोचा है कि रस्सी के सहारे से इसे मैं हैंग करूँगी। तो ये आप सब देख रहे हैं, ये मैंने एक रस्सी लिया हुआ है और इस रस्सी के दोनों सिरों को मैंने आपस में जोड़ दिया है धागे से, ताकि ये जैसे अगर मैं हैंग करती हूँ तो ये खुले नहीं, तो इसलिए इस तरीके से इसको मैंने जोड़ लिया है आपस में। तो आइए मैं आज वही तरीका दिखाती हूँ कि किस तरीके से अपने छोटे से पॉट को आप हैंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी रस्सी को इस तरीके से ज़मीन पे रख लिया है और इसको जो है मैंने इस तरीके से हार्ट शेप में इसको करके, और ये जो रस्सी है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि ये क्रॉस हो जाए, और ये जो क्रॉस आया है ये ऐसे क्रॉस हुआ है जो, तो इसी पे हमें अपना ये पॉट रखना है ताकि ये अच्छे से पूरी तरीके से पकड़ में आ जाए। तो ये देख रहे हैं आप, ये दोनों, ये हिस्सा ये इधर आया है और एक हिस्सा इधर है। तो उसके बाद से ये वाला जो सिरा है ये हम लोग इसके इस वाले सिरे के अंदर डालेंगे, ये जो क्रॉस मैंने किया था। तो इस क्रॉस को इस तरीके से ऊपर से यहाँ से इस तरीके से इसे खींचना है। इसे खींचने के बाद आप ये देख रहे हैं इस तरीके से हो गया। उसके बाद इस वाले हिस्से को जो है हम इधर ले आएंगे, ये जो आप ये देख रहे हैं ये फोल्ड हुआ, तो इस वाले हिस्से को ले आए हैं आगे। उसके बाद इसको इसके नीचे रखना है, इस तरीके से आपने नीचे रख दिया, और ये वाले सिरे को भी इसके अंदर, और यही वाला जो हिस्सा है ये हमें पकड़ करके और ये ऐसे यूं खींचना है हमें। ये देखिए, ये ऐसे खींचेंगे तो ये जो प्लांटर है ये मेरा पूरी तरीके से ये आपस में बंध जाएगा। और ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से आप इस पॉट को आप हैंग कर सकते हैं, चाहे कहीं भी जहां भी चाहें आप इसे अच्छी तरीके से हैंग करके और अपने घर में कहीं भी सजा सकते हैं इसे। तो ये है ना आसान सा तरीका। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो होती है वो आप सबके पास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।